चक्रवाती तूफान फैलिन के बाद ओडिशा, बिहार और झारखंड में भारी बारिश। लाखों लोग ओडिशा बाढ़ में फंसे। मौसम और तूफान के पूर्वानुमान संबंधी परियोजना पर 90 अरब रुपए के निवेश की केंद्र की योजना। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैलिन तूफान के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ की टीमें दोनों राज्यों में युद्ध स्तर पर जुटी। उड़ीसा में 27 जबकि आंध्र प्रदेश में एक की मृत्यु। मध्य प्रदेश में दतिया के रतनगढ़ मंदिर में हुई भगदड़ मामले में जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित 3 अधिकारी निलंबित। हादसे पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने मांगा शिवराज सरकार का इस्तीफा। बीजेपी ने कहा हादसे पर राजनीति ठीक नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने फिर तोड़ा संघर्ष विराम। सांबा में की फायरिंग, बीएसएफ का एक जवान घायल। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के निकट भारतीय मछुआरों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी की घटना पर कड़ा विरोध दर्ज किया। आसाराम से सूरत की दो बहनों की यौन उत्पीड़न की शिकायत के सिलसिले में होगी पूछताछ। 2001 से 2006 के दौरान बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने के मामले में आसाराम को अहमदाबाद लाया गया। फिल्म अभिनेता संजय दत्त की पैरोल अवधि स्वास्थ्य के आधार पर 14 दिन और बढ़ाई। संजय दत्त ने येरवदा जेल अधिकारियों से की थी गुहार। लश्कर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा के 3 सहायक 28 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में। इन तीनों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सामने किया गया था पेश। महाराष्ट्र में जैतापुर परमाणु बिजली परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के एक एवज में 23 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की बढ़ी हुई मुआवजा राशि लेने के प्रस्ताव का आज अंतिम दिन। भारतीय तटरक्षक बल ने एक पोत को किया जब्त। ये जलयान भारतीय सीमा में तूतीकोरिन तट के पास संदिग्ध रूप से घूम रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा बैंकिंग क्षेत्र में शीघ्र होंगे अहम सुधार। अगले कुछ हफ्तों में जारी होगी विदेशी बैंकों के भारत में प्रवेश की प्रारूप नीति। सब्जियों और खासकर प्याज की ऊंची कीमतों के चलते सितंबर महीने में मुद्रास्फीति की दर 7 महीनों के उच्चतम स्तर 6.46% पर पहुंची। दिल्ली एनसीआर में अमूल दूध हुआ महंगा। फुल क्रीम अब 44 रुपए प्रति लीटर और टोन 34 रुपए में मिलेगा। अमेरिका में कर्ज संकट पर होने वाली बैठक स्थगित। सरकारी कामकाज को पटरी पर लाने और सीनियर सदस्यों को कर्ज सीमा बढ़ाने के मामले में अधिक वक्त मिलने की वजह से बैठक को टाला। 3 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों यूजीन फामा, पीटन हांसेन और रॉबर्ट शिलर को देने की घोषणा। इन्हें परिसंपत्तियों का अनुभवश्रित मूल्यांकन के लिए ये सम्मान। ईरान परमाणु मुद्दे पर ईरान, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जिनेवा में करेंगे बातचीत। अमेरिका ईरान संबंधों के तौर पर ये बातचीत काफी अहम। पाकिस्तान के हाल तक राष्ट्रपति रहे आसिफ अली जरदारी अब जेल जा सकते हैं। भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने उन्हें 5 मामलों में 29 अक्टूबर तक कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश।
प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार बुकर पुरस्कार की आज लंदन में होगी घोषणा। भारतीय मूल की लेखिका झुंपा लाहिरी की किताब द लॉलेंट शीर्ष दावेदारों में एक। कुल्लू में कल से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दशहरा शुरू। मई कर्नाटक के मैसूर में भी दशहरा का पर्व कल बड़ी धूमधाम से मनाया गया।